आज मंगलवार के दिन पार्षद सरदार सिंह भाटी ने वैश्विक कोरोना महामारी से देश को बचाव के लिए राष्ट्र के मंगलमय हेतु वैश्विक कल्याण के लिए सुंदरकांड के पाठ का आयोजन करवाया। सवे भवन्तु सुखिनः, सवे सन्तु निरामया, सवे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। इसी मनोभाव से आज साहिबाबाद गाजियाबाद वार्ड 37 से भाजपा पार्षद एवं पूर्व उप महापौर श्री सरदार सिंह भाटी जी, दूर संचार सलाहकार समिति सदस्य श्री रवि भाटी जी, कालीचरण पहलवान, कैलाश यादव जिला अध्यक्ष यदुवंशीय महासंघ गाजियाबाद एवं ब्यूरो चीफ YMS न्यूज 24 गाजियाबाद ने समाज राष्ट्र के मंगलमय हेतु आज शालीमार गार्डन मैन साहिबाबाद गाजियाबाद में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। सरदार सिंह भाटी जी ने कहा कि वे स्वयं एवं उनका परिवार अभी कुछ दिनों पहले ही कोरोना से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर स्वस्थ हुए हैं। वे अपने परिवार के साथ हर स्तर से समाज के साथ इस वैश्विक महामारी में उनके सहयोग में लगे हुए हैं। फिर भी उनके मन में एक इच्छा थी कि स्थिति अनुकूल होने पर वो दुख निवारण, कष्ट हरण, अजर अमर, माँ अंजनी के लाल, भक्त शिरोमणि वीर बजरंग बली का सुंदरकांड पाठ वैश्विक कल्याण के लिए करवाएंगे और आज प्रभु राम की इच्छा से ये मंगल कृत्य संपन्न हुआ। रवि भाटी जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्त को हनुमान जी बल प्रदान करते हैं, उसके एवं क्षेत्र में आसपास भी नकारात्मक शक्ति भटक नहीं सकती। यह भी माना जाता है कि जब भक्त का आत्मविश्वास कम हो जाए या जीवन में कोई काम ना बन रहा हो तो सुंदरकांड का पाठ करने से सभी काम अपने आप ही बनने लगते हैं। मैं इसी कामना के साथ वीर बजरंगी से प्रार्थना करता हूँ कि सर्वत्र और सुख, सकारात्मकता एवं संपन्नता की ज्योति प्रज्वलित होकर सर्व समाज में आशा, उत्साह का संचार हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभु राम उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु प्रदान करे, जो अपने जीवन का प्रति क्षण राष्ट्र एवं समाज को समर्पित कर समस्त प्रकार की विपक्ष की नकारात्मकता को अनदेखा कर दिन रात मातृभूमि एवं समाज की सेवा में कार्यरत है। कोरोना हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। विश्वेश्वरी त्वम परिपासी विश्वम, विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम, विश्वेश्वंद्या भवति भवन्ति, विश्वाश्रया ये त्वयि भक्ति नम्रा। इस अवसर रवि भाटी, दूरसंचार मंत्रालय सलाहकार सदस्य, कालीचरण पहलवान, कैलाश यादव, मुकेश यादव, वीरपाल कटारिया, उदय भान ठाकुर, सुदीप शर्मा, भूषण जी, अजय चंद्र प्रधान, अशोक भाटी, धान सिंह, कैलाश भट्ट, जितेंद्र चौधरी, दीपक मिश्रा, दीपक दिवाकर, हरीश मोहर सिंह, सोमनाथ चौहान, नंदलाल शर्मा, राजेंद्र सोलंकी, मम्मन ठाकुर, ओम प्रकाश, मोनू सिंगर, राहुल, राजेंद्र चौधरी, अरुण चौधरी आदि सभी ने एवं पंडित नथु प्रसाद पांडेय जी और पंडित राहुल पांडेय जी ने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा। पाठ के पश्चात वैश्विक कल्याण के लिए सभी भक्तजनों ने हवन में आहुति दी और सभी ने भगवान श्री राम से प्रार्थना की विश्व भर में कोरोना महामारी से जनता को छुटकारा दिलाए, सभी रोग मुक्त हो और देश में फिर से खुशहाली आए। आज वार्ड नंबर 37 के अंतर्गत हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि आदरणीय श्री सरदार सिंह भाटी जी, रवि भाटी जी, कालीचरण पहलवान जी, कैलाश यादव जी, अशोक भाटी जी और भाटी परिवार के सभी सदस्यों ने मिलकर के क्षेत्र के सभी मौजूदा उपस्थित सभी महानुभावों ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इस कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था सुंदरकांड का, केवल एक ही उद्देश्य था कि क्षेत्र के अंदर इस कोरोना महामारी से जूझ रहे जो लोग हैं वो जल्दी से जल्दी इससे छुटकारा प्राप्त कर सकें, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर पूरे भारतवर्ष के अंदर कोरोना महामारी का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है और उसी के संदर्भ में आज ये सुंदरकांड का कार्यक्रम श्री सरदार सिंह भाटी जी हमारे वार्ड नंबर 37 के पार्षद हैं, श्री कालीचरण पहलवान जी, रवि भाटी जी, कैलाश यादव जी और भाटी परिवार के सभी जो सदस्य हैं उन्होंने सभी ने मिलकर के क्षेत्र के सभी लोगों ने मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। शालीमार गार्डन में आज ये अपने देश के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसके उपलक्ष्य में आज एक सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसके उपलक्ष्य में कि जो हमारे शहर के अंदर, देश के अंदर जो ये जनता जो की पब्लिक मारी जा रही है, हम उसके लिए भगवान श्री राम हनुमान जी से कामना करते हैं कि अब रहम करो, बहुत हो गया बाबा महाराज, हम सब पर कृपा करो, क्योंकि जो चीज़ हमें नहीं देखनी थी आज वो चीज़ देखने को मिल रही है। इस आयोजन का मुख्य श्रेय रवि भाटी जी, उनके टीम जो आज कम से कम 27 दिन से
अपने क्षेत्र में कोरोना के महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन भी निःशुल्क दे रहे हैं और क्षेत्र में ये भाप वाली मशीन और च्यवनप्राश की भी बांट रहे हैं। इसके लिए मैं इनको पूरी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने ऐसे में वो हर किसी का सहयोग कर रहे हैं। इस सहयोग के लिए वो बधाई के पात्र हैं और जो इसी प्रकार से वो सहयोग करते रहे, इसी हिसाब से आज जो शालीमार गार्डन के वार्ड 37 में ये सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिससे हमारे शहर की देश की जनता पर जो एक महामारी फैली हुई है, हे प्रभु श्री राम सब पर रहम करें, कृपा करें और ऐसा कुछ देखने को ना मिले, यही कामना करते हैं।